छतरपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर मौत हो गई। नवविवाहिता के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को उसके पति ने फांसी लगाकर हत्या की है और मृतका को अस्पताल में लावारिस हालत में छोड़कर भाग गए। घटना गुलगंज थाने धजुआ गांव की बताई जा रही है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि जब उनकी बेटी को अस्पताल लाया गया तो उसके पति ने मृतका के पिता से उनकी बेटी के बीमार होने की बात कही, लेकिन जब अस्पताल आए तो पता चला कि उसकी फांसी से मौत हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। छतरपुर से मुकेश भार्गव। विवाद चाहे एक कंचन मोड़ी थी झांसी की, उससे विवाद बन रहा था तो इसमें मना कर ये दोनों को विवाद होगा। इन लोगों ने फांसी लगा दी, मेरी बच्ची को मार दो। हम लोग यहाँ आए तो देखिए तो गार्ड खड़े थे, बोले तुम्हारी बच्ची है? बोले हाँ हाँ हमारी बच्ची है। हमने कही यार तो फांसी को पंद्रह दिन लगो तो करिए, फांसी लगा के मार दी इन लोगों ने। ये नवविवाहिता मर्ग का मामला है, बच्ची का मायका जो छतरपुर में और ससुराल इसका गुलगन क्षेत्र लगाता है और शादी को लगभग 2 साल हुए थे। कल संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाई और अभी जब हॉस्पिटल लेके आया है तो उसकी डेथ हो चुकी है और इसमें हम पीएम करवा रहे हैं और मर्ग भी कायम किया जा रहा है और परिवारजन के जो बयान होंगे और जो अन्य साक्ष्य होंगे उस आधार पर जल्दी जल्दी इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।